हेलो फ्रेंड्स, रेशमा मल्टी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं चने की दाल की रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो ये चने का दाल है, इसे मैं वॉश करके भिंगो दी थी, ये बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। तो आज मैं इसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ बहुत छोटा सा वीडियो बीच में स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। यहाँ मैंने दाल को पीस लिया है, अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ कूटा हुआ लाल मिर्च है, तो आधा छोटा चम्मच इसे हमने ऐड कर लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच ये गरम मसाला है, आधा छोटा चम्मच ये स्वाद अनुसार नमक है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। कढ़ाई हमारा गरम हो चुका है, तो इसमें हम दो चम्मच ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा हम ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम ऐसे ही बनाएंगे। फिर हम इस टिक्की को सेक के बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टिक्की बना लेते हैं, तब तक हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो जाए। मैं ऐसे लेंगे, एक छोटा सा बॉल बनाएंगे और उसे प्रेस करके इस टाइप से हम इसे टिक्की का शेप दे देंगे। आप कोई भी शेप का बना सकते हैं। तो हम ऐसे ही सबको बना लेते हैं। मैंने सारे टिक्की को बना लिया है, तो अब इसे हम चलते हैं सेक लेते हैं। हम इसे बड़े कढ़ाई में बना रहे हैं क्योंकि हमें सेकना है, तो सारे टिक्की को हम सेक लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा ऑयल खाना पसंद हो तो आप इसे डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे सेक के बना रही हूँ। अब हम ऑयल को चारों तरफ घुमा लेंगे कढ़ाई को, ताकि चारों तरफ ऑयल चला जाए, ये अच्छे से सिक जाएगा। हम इसको ऐसे घुमा लेते हैं। अब हम इसे पलट लेंगे, तो ऐसा हम कलछी लेंगे। ये बहुत आसानी से अगर हो जाता है तो नीचे से अपने आप ही ये छोड़ देता है। तो कढ़ाई हमारा गरम है, तो इसमें हम दो चम्मच ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गरम है, तो इसमें हम आधा छोटा चम्मच सरसों डालेंगे, दो तेज पत्ता। अब इसमें मैंने पचफोरन मसाला भी डाल दिया है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है एक चम्मच। इसे एक मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर दिए, इसे भी हम एक मिनट तक भून लेते हैं। अभी अच्छे से पक चुका है, तो इसमें हम मसाला ऐड करते हैं। ये दो चम्मच गरम मसाला है, एक चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च। इस मसाले को पकाने के लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। मसाला अच्छे से पक गया है, ये देखिए ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें मिर्चे को ऐड करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मिर्चा डालने से वो बहुत सरकता है, इसलिए मसाला पकाने के बाद हम इसमें मिर्चा ऐड कर रहे हैं, ऐसे ये सरकेगा भी नहीं। मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, तो इसमें हम पानी डाल देते हैं। अगर ठीक चाहिए तो कम डालें पानी, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ऐड करें पानी। तो हम इसमें दो कटोरी पानी ऐड कर देते हैं। ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए ये पीसा हुआ दाल हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए हमारा ग्रेवी, इसमें जो पीसा हुआ दाल था उसको मैंने डाल दिया है, तो कितना अच्छा लग रहा है। ये जब पकेगा और भी थिक हो जाएगा, तो इसे हम अच्छे से पका लेते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, तो इसमें हमने नमक को ऐड कर दिया है, स्वाद अनुसार ही नमक डालना है। अब हम इस पर ढक्कन लगा के इसे ढक देंगे। लगभग 3-4 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे, ताकि हमारा ग्रेवी थिक हो जाए और अच्छे से पक जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ग्रेवी अच्छे से पक चुका है, तो इसमें जो हमने दाल का टिक्की बनाया है उसे हम इसमें डाल देंगे। तो इसमें हम दाल के टिक्की को डाल देते हैं। सब्जी हमारी अच्छे से बन गई है, तो अब इसे मैं सर्व करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैं एक बर्तन ले लेती हूँ।
देखिए कितना अच्छा हमारा सब्जी बना हुआ है। एक बार इस रेसिपी को इस तरीके से बना के ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा बनता है और इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, दाल का सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छा बना हुआ है और बहुत अच्छा इसका स्वाद भी आता है, तो एक बार इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।